जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा, मैं आज लगा हूँ डालने, एक मेरे पास है जिंक और एक है दानेदार जहर। ये मैंने अपने चावल की फसल को डालने हैं। मेरे जो चावल की फसल है वो तकरीबन 20 से 25 दिन की हो चुकी है। मैंने अभी तक ये चीज़ें नहीं डाली थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। एक तो मेरे चावल के पत्तों पर जो थी ना क्लोरोफिल की कमी, वो वाज़े तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। पत्ते पीले और बीच बीच में से येलो डार्ट बनने शुरू हो चुके हैं, जिसका मकसद ये है कि ये मेरे लिए ये जिंक डालनी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसे है कि जब मैंने पानी हम तो 25 से 30 दिन पहले दिन तक जो है ना पानी वो तो हमने खड़ा, जिसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर जिंक होती है वो पूरे अपने चावल के फसल को पौधे को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसमें क्लोरोफिल की कमी वाक़या हो जाती है। ये बात एक आपको जहन में रखने वाली ज़रूरत है। तो ये मेरे पास है 21% वाइटा जिंक है। ये तकरीबन मुझे मिली है 950 रुपये की। आपके इलाके में कोई 150 का फ़र्क हो सकता है। और दूसरा जो है ना वो मेरे चावल की फसल में तने की सुंडी का हमला भी हो चुका है। उसके लिए ये अपना जो है ना दानेदार जहर ये 5% है, ये डालनी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अगर आप नहीं डालते तो आपके चावल के तने में जो है ना सुंडी का हमला शदीद से शदीद तर होता जाता है। ये मैं आपको अपना तस्वीर में भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने ये दानेदार जहर नहीं डालनी तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की बल्कि आ ही जाएगी। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आएगी। ये देखें, और एक ये है मेरे पास। अच्छा, ये तो है ना तकरीबन आप हर फसल को जो भी है, संतरा है, माल्टा है, जो भी है, गंदम है या चावल है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप शुरू में ही डाल लें तो भी फ़ायदा हो जाता है, अगर नहीं तो आपने तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद और दूसरी जो डालनी है वो 2 माह के बाद डालनी है। अगर ये आप डाल लेंगे तो आप अपनी फसल की नुकसान से बच जाएंगे। मैं इन दोनों को मिक्स करके डालूंगा, और इसकी शर्त एक ये है कि आपकी फसल में कम से कम 3 इंच का पानी खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी में हाल पजीर होकर आपके पौधे को जाएगी। अगर आपकी फसल में पानी नहीं है और ये ज़मीन पर पड़ी रह जाएगी तो ना ही उसके जिंक का कोई फ़ायदा है, ना ही दानेदार जहर का फ़ायदा है। ये आपने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ये बात जहन ने नोट कर लेनी है। कम से कम 3 इंच का पानी खड़ा होना आपकी फसल में ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी के ज़रिए ही पौधे की जड़ों में और तने में जाएगी और फिर पत्तों पर असरअंदाज होगी। उम्मीद है कि ये आपको बात पसंद आएगी और समझ भी आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।